नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर कभी आप ललितपुर जाएं तो सीमा पर रहने वालों के दर्द कैसे हैं इसका एहसास आपको हो सकता है। वहां बहुत से ऐसे घर मिलेंगे जिनकी आंगन तो मध्य प्रदेश में है पर सोने का कमरा उत्तर प्रदेश में। बहुत से लोगों की दुकान मध्य प्रदेश में पड़ती है, रहते वो उत्तर प्रदेश में है। बहुत से लोगों की खेती मध्य प्रदेश में है, रहना पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कई जगह हालात इसके ठीक उलट भी हैं, पर इतने से ही नहीं, ललितपुर तमाम चीज़ों में अपना नाम रोशन करता आया। चुनाव में जब 6 चरण के मतदान हो चुके हैं तब ललितपुर ने एक नया इतिहास रचा है। ललितपुर के 3 गांवों ने 100% वोट करके दिखा दिया है। यह निर्वाचन आयोग के लिए एक नज़ीर है, उन मतदाताओं के लिए भी एक उदाहरण है जो वोट डालने को अपना अनिवार्य अधिकार नहीं मानते हैं। इन 3 गांव में एक आदिवासी बहुल गांव भी है। इन 3 गांव की उपलब्धि सिर्फ ललितपुर में ही नहीं पूरे देश में लोगों के सर माथे चढ़ करके बोल रही है। ललितपुर के लोग अपनी इस उपलब्धि पर इतरा रहे हैं। सबसे पहले बात ललितपुर में मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र के 16 गांव की करते हैं। आदिवासी बहुल इस गाँव में लगभग 1 बजे तक सभी मतदाताओं ने वोट डाल दिया था। इस गांव का एक निवासी बंगलुरु में नौकरी करता था, उसको फ्लाइट से आने में देर हुई, उसने मतदान किया। 16 गांव के लोगों ने पहले ही यह तय कर रखा था कि लोकतंत्र के इस महापर्व में गांव 100% मतदान करेगा। गांव के सभी लोगों को सबसे ज्यादा चिंता बेंगलुरु में रहने वाले एक युवा मतदाता को लेकर थी। गांव के लोग किसी भी सूरत में इस मतदाता से भी वोट डलवाना चाहते थे। इसके लिए गांव के लोगों ने आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा किया, हवाई जहाज का टिकट खरीद करके दिया। ललितपुर के 16 गांव के प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 277 पर कुल 375 मतदाताओं का नाम दर्ज है। इनमें 198 पुरुष और 177 महिला वोटर शामिल हैं। सुबह मतदान शुरू होते ही बुंदेली परिधानों में मतदाता गाजे बाजे के साथ मतदेय स्थल तक पहुंच गए। गांव के लोगों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि तकरीबन 12 बजे तक 374 लोगों ने मतदान कर दिया था। दोपहर करीब 1 बजे शेर सिंह यादव नाम का युवा मतदाता वोट डालने के लिए गांव में पहुंचा। इसी के साथ 100% मतदान का गांव का लक्ष्य पूरा हो गया। मतदान के बाद शेर सिंह यादव ने कहा कि प्रधान और प्रशासन की ओर से लगातार मुझे मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। शेर सिंह यादव पहले बेंगलुरु से फ्लाइट के जरिए भोपाल पहुंचे, फिर वहां से कार के जरिए ललितपुर के अपने गांव पहुंचकर मतदान के दायित्व को पूरा किया। शेर सिंह के अलावा गांव के 26 और लोग भी अलग अलग शहरों में रहते थे। इन सारे लोगों को गांव के लोगों ने मिलजुल करके पहले ही बुला लिया था। सौलदा ही नहीं, बमौरी, नागल और बुधनी गांव के मतदाताओं ने भी 100% मतदान का कीर्तिमान स्थापित किया। ललितपुर के बमौरी नागल गांव के एक मतदाता केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में कार्यरत हैं। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के नाते उनका आना संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकारियों को अपने गाँव के लक्ष्य और गाँव के लोगों द्वारा निरंतर उन्हें बुलाए जाने की कोशिशों के बारे में बताया तो उन्हें अवकाश दे दिया गया। उन्होंने भी पहुंच करके मतदान किया, यानी 100% मतदान का लक्ष्य इस गांव ने भी पूरा कर लिया। शाम 4 बजे तक इस गांव में 443 मतदाताओं ने अपना वोट डाल लिया था। ललितपुर के गांव बुधनी के मतदाताओं ने भी 100% मतदान का इतिहास रचा। इस गांव में बने बूथ संख्या 195 पर कुल 216 मतदाताओं को वोट डालना था। 216 मतदाताओं ने वोट डाल करके यहाँ भी एक कीर्तिमान रचा। साफ है कि ललितपुर के 3 गांव मिसाल हो सकते हैं, नज़ीर बन सकते हैं उनके लिए जो वोट डालने के अभियान चलाते हैं, उनके लिए जो वोट डालने नहीं जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि इन 3 गांवों से कोई ना कोई सबक हम लोग ज़रूर सीखेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।